नाजरिन कराम यबरा की आयत नंबर एक सौ चौंतीस है अल्लाह ने इस आयत में एक पैगाम दिया कि इसको ख़ानदानी जो लोग ख़ानदानी होने का दावा करते हैं न कि हम ख़ानदानी सैद हैं ख़ानदानी क्रैशी हैं ख़ानदानी सिद्दीकी हैं ख़ानदानी फ़ारूक़ी हैं और अमल ना करें आदमी तो जैसे यहूद होते थे ना कि वो अपने बाप दादा की तरफ नस्बत करते कि हम तो अम्बिया की औलाद हैं हसब नसब हमारा देखो अम्बिया से मिलता है तो अल्लाह ने कहा कि तिल का उम कद खलत अम्बिया की ये जो जमात थी ये गुजर चुकी और जो तुम करोगे वो तुम्हारे लिए है और जो उन्होंने किया वो किया उन्होंने उसका बदला वो पाएंगे उनके बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा अगर कोई आदमी आला खानदान का है और सिर्फ नसब हसब की नस्बत करे कि मैं फातिमी हूँ कुरशी हूँ हसनी हूँ हुसैनी हूँ तो ये नस्बत उसे कोई फ़ायदा नहीं देगी जब उसके पास ईमान और अमल सारे नहीं है सिर्फ़ नस्बत से कोई फ़ायदा नहीं आप अरबी हों सद हों हसनी हूँ हुसैनी हों क्रैशी हों सिद्दीकी हु, हों फारूकी हों अगर आपके पास दीन खालस नहीं है तोहैद और इतबा सुन्नत नहीं है तो इन दावों का या इन नस्बतों का कोई फायदा नहीं अल्लाह के रसूल सल्ला फरमाते हैं कि मम अमलुहस अब ही लम ही जिस आदमी को उसका अमल पीछे छोड़ दे जो अपने अमल से पीछे रह जाए वो हसब नसब से आगे नहीं जा सकता जैसे हमारे मुल्क में जो रिजर्वेशन का सिलसिला है ना कि मसला आपको एग्ज़ाम पास करना है आला मुलाजमत के यू पी एस सी है या नीट है या जे डबल ई है और अलग अलग, अलग एग्जाम हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको मसला साढ़े सात सौ में आठ सौ में से आपको छः सौ सात सौ नंबर लाना है रिजर्वेशन में है तो दो ही तीन सौ में न, हो जाता है काम क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से है ओबीसी एसटी से ये मुल्कों का निज़ाम है अलग अलग जगहों का ये हुकूमतों तो ने कानून बनाया है उनकी मसलहत वो जाने हम इस पर गुफ्तु या तबसरा नहीं करते इस्लाम की अदालत में अगर अमल से आदमी पीछे है तो कास्ट का होना चाहे छोटी कास्ट हो या बड़ी कास्ट इससे वो ऊपर और नीचे नहीं जा सकता बस इन अक्रम इलाम तुम में का बर्तर अल्लाह के नज़दीक सिर्फ वही है जो तकवा वाला हो तो इस आयत से जो चंद मसाइल और फवाद मिलते हैं पहली चीज़ क़यामत के दिन इंसान का हसब नसब उसके काम नहीं आएगा अल्लाह के रसूल सल्ला वरतः तो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े जब आयत उतरी व अंदिर अशीरतक अक्रबीन अपने क़रीबी रिश्तेदारों को डराइए तो आपने आवाज़ दिया सबाह पूरे कुरेश के लोग जमा हो गए और फरमाया कि या शरा क्रैश अन केदू अन फुम एश के लोगो अपने आप को बचाओ किससे बचाओ अजाब से जहन्नम की आग से फनी ला उगनी अल्लाह अल्ला के हाँ मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता मेरे ख़ानदान के हो ना हसब नसब डी एक है मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकूँगा फिर मजीद आपने वजाहत की मेरे चचा अब्बास मेरी फूफी सफिया क़यामत के दिन आपके काम नहीं आ सकूँगा बेटी फातिमा बाप से जो कुछ मांगना है दुनिया में मांग लो ले लो क़यामत के दिन तुम्हारे काम नहीं आ सकूँगा इंसान का हसब नसब अल्लाह के हक़ हाँ काबिले यानी उसकी वजह से मकाम व मरतबा नहीं मिलने वाला है अमल की वजह से मकाम मरतबा मिलेगा अम्बिया की औलाद नाफरमान जहनम में जाएगी नू इस्लाम का बेटा इब्राहिम के वालिद आज़र तो हसब नसब से कोई आगे नहीं बढ़ता तो इस आयत में ज़बानी दावा करने वाले ख़ानदानी हसनी हुसैनी और सैयद हो कर के फख्र करने वालों के अकायद और उनके सोच और नज़रियात की तरदीद की गई कि यह दावा काफ़ी नहीं है जब तक तुम्हारा ईमान वकीदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में नहीं होगा दावे से कुछ नहीं होने वाला है क़ब्र के अंदर फरिश्ते तुम्हारे हसब नसब के बारे में नहीं पूछेंगे किस ख़ानदान से थे किस कबीले से थे बल्कि फ़रिश्ते तुम्हारे अमल के बारे में पूछेंगे सही बुखारी की मशहूर रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरमा दें कि मैत के साथ कब्र तक तीन चीज़ें जाती हैं उसके साथ उसमें से दो वापस आ जाती हैं एक चीज उसकी कब्र में क़ब्र की तन्हाई में बाकी रहती है कब्रस्तान तक उसकी क़ब्र तक उसके घर वाले जाते हैं उसके माल का भी कुछ हिस्सा जाता है जिस गाड़ी से गया एम्बुलेंस से गया ताबूत से गया कफ़न है कफ़न का एक हिस्सा जो है साथ में मालिक की शक्ल में लेकिन वो काम नहीं आता वो तो बस जिसम को ढकने के लिए है और उसका अमल जाता है साथ में तो उसके घर वाले वापस आ जाते हैं गाड़ी घोड़े एम्बुलेंस सब चीज़ें वापस आ जाती हैं तारीकी में क़ब्र की सिर्फ उसका अमल बाकी रहता है तो जो पहला मसला इस हायत से साबित होता है कि हसब नसब मरने के बाद ही ख़त्म हो जाता है कब्र से ही अमल के बारे में सवाल किया जाएगा सारे जो एय सैयद बैत जितने हैं ना सब को रिजेक्ट कर दिया गया ये फख्र करने की चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए तुम अमल से पीछे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते यहूदो नसारा भी इसी तरह फख्र करते थे दूसरा मसला बाप दादा का अमल औलाद को फ़ायदा नहीं देगा बाप दादा ने कोई नेकी की तो ऐसा नहीं कि उस नेकी को बच्चों में तकसीम कर दिया जाएगा हाँ कोई भलाई का काम किया है तो उस भलाई का फ़ायदा मिल जाएगा दुनिया में लेकिन बाप दादा की नेकियों पर भरोसा करना कि हम तो फला के बेटे हैं फला नबी के वली के आलिम के हमें कुछ करने की क्या ज़रूरत तो वो नेकी औलाद के काम नहीं आएगी लेकिन उनकी नेक नामी उनकी नेक शोहरत नेक रास्ता उस पर आदमी चले वो उसके लिए फ़ायदे की चीज़ है औलाद ने अगर कोई नेकी की तो इस नेकी का बदला बाप दादा को मिलेगा क्योंकि औलाद बाप ही दादा की कमाई है उसी का एक हिस्सा है इसलिए जिस तरह नेक आमाल का फायदा मिलता है सदक़े जारिया का फ़ायदा मिलता है इंसान की औलाद कोई भलाई और नेकी का, का काम करे इबादत करे दावत का, का काम करे खैर का माँ बाप को ऑटोमेटिक उसका सवाब पहुँचेगा इसीलिए कितना अहतमाम करते अम्बिया अप, के अपनी औलाद का अपने बाद की जिंदगी के बारे में तीसरा और आखिरी मसला औलाद से बेटों और पोतों से उनके बाप दादा के अमल के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा न उनकी ख़ताओं और गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा कि तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा क्यों किया और न उनकी नेकियों का कुछ हिस्सा इनको मिलने वाला है वाला तस्लू अम्मा कानू या अमलून वो जो करते थे उनके बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा वला तेर ज़ेरा तुम उखरा उस दिन कोई किसी का बोझ नहीं ढोएगा तो सूरह अल बकरा की आयत नंबर चौंतीस में सबक दिया गया कि लोगों अमल के ज़रिए अपनी ज़िंदगी सुधारो संवारो बाप दादा पर फख्र करना हसब नसब पर फख्र करना ये यहूद का तरीक़ा था तुम्हारे लिए जो असूल है इन अक्रम कम इन द्ल अल्लाह के यहाँ तुम में से बेहतर बरतर बुज़ुर्ग वो है जो मुत्तकी हो जो जितना बड़ा तखबा वाला होगा अल्लाह का वो उतना ही करीबी होगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें फजूल या जबानी दावेदार या हवाई फायरिंग करने वाले बाप दादा पे जो फख्र करने वाले हैं इन मुसीबतों से बचाए और हमें अमल का इंसान बनाए अमल की तोफ़ीक़त फरमाया आमीन व सल्ला नबीना महम्मद वही वह अजमैन सूरह अल बकरा की आयत नंबर एक सौ चौंतीस की तफसीर के बाद हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक सौ पैंतीस के साथ जब तक के लिए इजाज़त दीजिए आपकी मोहब्बत आपके नवादिश का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे असलकम वह वर्कात